हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम चैप्टर नंबर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आज कंटिन्यू करते हैं वापस। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे स्टेट और सेंटर को हम जो उनका काम है वो डिवाइड कर रहे हैं, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, रिटर्न बन रहा है, उसमें क्या क्या लॉज हमने बनाए हैं। अब आया है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब फाइनली क्या है, सब कुछ तो हम कर रहे हैं मगर किसी एक कंट्री को उस लेवल पे पहुंचाना जो वापस, जो कि ऑलरेडी बहुत हमारा जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो चुका था तब तक, तो उस गैप को वापस से भरना कितना मुश्किल होगा सोचिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया मगर अब उस कंट्री को वापस से डेवलप करना, एक एक के उसकी नींव रखना, वो कैसे रखी गई, कैसे स्टार्ट हुआ, वो हम समझते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, यहां तक समझ में आ रहा है। हम प्लान करेंगे तभी किसी चीज से आगे बढ़ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। टू अपलिफ्ट इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी, डेफिनेटली 100% हो गया था। पॉवर्टी जैसी जो चीज थी वो एज अ टैग आ गई थी इंडिया के पास, एज अ टैग मिल गया था उसे, वो गिफ्ट मिल गया था। वो गिफ्ट किसने दिया है? ब्रिटेन वालों ने दिया है, ब्रिटिशर्स ने दिया था। क्यों? क्योंकि जब तक वो वहां से गए तब तक तो हमारा काफी और काफी जो राजा का खजाना मान लीजिए खाली हो चुका था ऑलमोस्ट, तो उसको वापस भरना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और ये जो टाइम गैप है वो अब वापस से उस चीज पे, बस अब उनके पास रेस्ट करने का, ये सोचने का क्या, एंजॉयमेंट करने का उतना टाइम नहीं है। अब हमें वापस से ही काम पे लगना पड़ेगा, वापस से पैसा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो इतने रिफ्यूजीज आए हैं उनके लिए, जिनके जॉब नहीं है उनके लिए, जो एजुकेशन रुक चुकी है उनके लिए, बच्चों के लिए। तो भाई आप एजुकेशन स्टार्ट करोगे तभी एक लेवल पे कहीं पहुंच सकते हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करोगे तभी हम ग्रो कर सकते हैं। जब वैसे ही समझे तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट इट वॉज मोस्ट दैट टाइम टू अपलिफ्ट इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी से कैसे? जॉब मिलेगी लोगों को, जॉब मिलेगी तो वो पॉवर्टी से थोड़ा सा लाइन गैप आएगा ना, ऑलरेडी जो इतने बिल्कुल डाउनफॉल पे हैं, थोड़ा बहुत काम मिलेगा, जॉब मिलेगा। एक होता ना जैसे एक घर है, तो हम मानते हैं कि घर का एक आदमी भी बहुत अच्छे लेवल पे कोई आई है सारे एस बन जाता, तो कहा जाता है कि बाकी जो भाई बहन है वो सेट हो जाते हैं, कहते हैं लोग बड़े कि वो एक आदमी भी आई है सारे एस बन जाएगा तो बाकी सबको सेट कर लेगा। तो वही चीज है, हम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लेवल पे हम ग्रो कर जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो बाकी चीजें सब सेट हो जाएगी। टू बिल्ड अ मॉडर्न एंड टेक्निकल इंडस्ट्रियल बेस, एक बेस बना रहे थे। देखिए अभी तो शुरुआत है ना, तो सब कुछ बेस पे हो रहा है, तो एक बेस बनाया जा रहा है कैसा, मॉडर्न एंड टेक्निकल इंडस्ट्री, मॉडर्न भी हो और टेक्निकल भी हो। मॉडर्न इसलिए क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके, तो इसलिए, और मॉडर्न होना तो जरूरी था, टेक्निकल तो वो हो गई, वो बेस बनाना। गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन 1950 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो 1950 में किसका सेटअप हुआ, प्लानिंग कमीशन का इंडिया में गवर्नमेंट का। अभी ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी आप बात करोगे तो अब कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है। अब जो बताऊंगी मैं आगे बताती हूँ। गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन 1950 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनका सेटअप किया गया। अब जब इनका सेटअप किया गया है तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये काम करेंगे बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग जॉब एंड प्रोटेक्शन। स्टेट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी, स्टेट के साथ साथ, स्टेट का यहां मतलब गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री बना रही है उनके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे भी तो जॉब मिलती है ना, वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कौन पैसा कमा रहा है? पैसा कमा रहे हैं उस कंट्री के लोग, तो प्राइवेट जो काम कर रहे हैं वो लोग भी पैसा कमाएंगे, जो गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रीज ओपन किए, गवर्नमेंट जो काम करवा रही है उससे भी तो पैसा मिल रहा है लोगों को। तो हैंड बाय हैंड मतलब साथ 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 दोनों चीजें, द बोथ से स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग जॉब एंड प्रोटेक्शन। जॉब भी मिलेगी और साथ में प्रोटेक्शन भी होगा, नई चीजों का, नई चीजें बनेगी और उनका एक्सपोर्ट भी होगा, कुछ चीजें इंपोर्ट भी होगी। ठीक है, इसके बारे में मैं ऐसे बता रही हूं कि नीति आयोग जो है अब वो काम करता है, तो मगर आप अभी कंफ्यूज मत होइए, प्लानिंग कमीशन पे ही हम फोकस करते हैं अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव प्लान,
क्या लाए ये लोग, गांधी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया वो 5-year plan वाला, मतलब हर 5 साल में। देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है रशिया का। रशिया क्या है कि एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई थी, मगर वो खुद बिल्कुल दूसरे जो वर्ल्ड वॉर से भी उस टाइम हट गई थी, ठीक है, ब्रिटेन के उसके थी ना अगेंस्ट में, वो उस टाइम वहां से हट गई थी और उसने खुद का अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और उसने किस पे काम किया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था 5-year planning के साथ, USSR बोलते हैं ना, 5-year planning, हर 5 साल एक नई प्लानिंग होगी और एक नए तरीके से काम होगा। क्यों, इसका तरीका क्या है, देखो हम सिलेबस पढ़ते हैं, एक बुक में सिलेबस होता है, सिलेबस में जो पॉइंट्स होते हैं हम उसे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उसी का ही कुछ जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वापस, वो बड़ी क्लास में आप जाओगे तो उसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, वो और ज्यादा ह्यूज लेवल पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आप आगे नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो वो कुछ टॉपिक्स अलग होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, हर साल आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो, हर साल एक चीज पे इतना फोकस कर रहे हो कि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज अच्छे से, वो नॉलेज जो है वो उतर जाए। तो वैसे ही 5-year plan भाई डिवाइड करके काम करें, ये भी कर लूं वो भी कर लूं मैं तो शायद बहुत कुछ छूट जाएगा। तो कुछ कुछ काम डिवाइड करेंगे हम, और डिवाइड करके 5-5 साल में उस चीज से आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है रशिया का, और रशिया से क्यों लिया गया था, क्योंकि रशिया इसी कॉन्सेप्ट के साथ जीरो से बहुत अच्छे लेवल, ब्रिटेन के लेवल तक पहुंच गई थी। तो इट मींस कि ये जो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा था, और उसने उससे ग्रो भी किया और उसको फायदा भी हुआ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year plan 1956, कौन से ईयर में कॉन्सेप्ट इनका हमारा सेट हुआ था, वो हुआ था 1956 में, सेकंड 5-year plan था ये फॉर फॉर्मुलेटेड, USSR का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, सेकंड 5-year plan। फर्स्ट वाले के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट था ही नहीं। फोकस्ड ऑन हैवी डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्रीज एंड डैम, बेसिकली हैवी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और डैम क्यों लिया गया, डैम से क्या फायदा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो हम पढ़ ही रहे, सिविक्स में भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहे, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, मगर डैम से ये फायदा होता है कि जब पानी आता है तो जो वो पानी का सोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, जॉब्स का सोर्स हो गया, और वो जो पानी है वो कहाँ जाएगा, रूरल एरिया में जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जहां पे पानी की जरूरत है, जहां बिजली की जरूरत है, जहां जॉब की जरूरत है, लोग माइग्रेट हो रहे हैं इन चीजों की वजह से वहां नहीं है, तो वो चीज के क्या हो जाएगा कि वो लोग वहीं रहेंगे, सेट भी रहेंगे और सब कुछ वहीं अवेलेबल हो रहा है। तो पानी और डैम बनाना, पानी का सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई चीजों में। इनफैक्ट अब कई चीज और भी है जो आप इस डैम के जो डैम वाला जो है ना उससे हम वो जो बनता है मतलब ये कह सकते हैं, मगर आप अभी इतना डीप में जाएंगे तो बहुत चैप्टर है अभी। तो फोकस ऑन हैवी डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्रीज एंड डैम, बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। एक स्टील इंडस्ट्री है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना, घर में एक आदमी भी ISRS बनता तो बाकियों को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। तो यहां भी ये था कि एक स्टील इंडस्ट्री बनेगी तो वो जॉब भी देगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी हो गई और उसकी, और वो सेल भी कर रहा है सामान, और लोग एजुकेट भी हो रहे हैं, भाई पैसा आ रहा है तो एजुकेशन भी हो रहा है, तो ये क्या है, अपलिफ्ट कर रही है एक कंपनी स्टील की, वो कितना काम कर रही है, ये चीज है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, जवाहरलाल नेहरू का, मगर इसके कुछ अपोजिट था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि बजाय क्या इंडस्ट्रीज पे फोकस करने के, हमें क्या करना चाहिए, गरीब जो रूरल एरिया में है ना, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में, उनको अपलिफ्ट करो, उनको एजुकेट करो, उनको एनकरेज करो, इससे क्या होगा, वो लेवल तो आप उसको तो आप ऊपर कर ही रहे हो, वो तो ग्रो हो ही रहा है, साथ में कितनों को ग्रो करोगे ये भी देखो। उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, इनका कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा अलग है, ठीक है। मैनी सपोर्टर्स बट मैनी क्रिटिक्स एज वेल, बहुत सारे सपोर्टर्स है, सबने बोला बहुत ही अच्छी चीज बनाई है आपने, बहुत अच्छा है भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो हमें बहुत और भी बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो मैनी सपोर्टर्स बट स्टिल मैनी क्रिटिक्स, बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं। क्यों है, देखो इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, क्या हुआ कि भाई आप
सिर्फ इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा कोर सेक्टर है जहां से हम अर्न करते हैं, उस वक्त इंडिया का अर्न कर रहा है इंडिया से, वो कोर था एग्रीकल्चर, तो उस इंडस्ट्री को तो आप भूल ही गए, उस पर तो आपने कोई प्लानिंग करी नहीं, उसके बारे में कोई बात हुई नहीं, तो इस बात बारे में कुछ सपोर्टर्स को सपोर्ट नहीं करे कई लोगों ने, तो इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट भी था, नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन, देखो एजुकेशन ही नेग्लेक्ट हो गई, जब आपने पढ़ाई नेग्लेक्ट कर दी तो आप कैसे ग्रो करोगे, एक बच्चे को बचपन से हम कुछ पढ़ाएंगे सिखाएंगे तभी तो वो जॉब लेने लायक या उस कंपनी को बनाने लायक या इंडस्ट्री में काम करने लायक या उसका उसका बिजनेस ओपन करने के लायक बनेगा, तो एजुकेशन तो हर साल ही उनको अपनी प्लानिंग में एक कॉन्सेप्ट या एक पार्ट प्लानिंग का रखना ही चाहिए था। नो पॉलिसीज फॉर एनवायरमेंट, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एनवायरमेंट डेफिनेटली गंदा होना ही होना, तो इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग नहीं थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इन सब चीजों के लिए कई क्रिटिक्स थे जिन लोगों को बिल्कुल ये समझ में नहीं आई थी कि इन सब चीजों को कोई कैसे भुला सकता है। ठीक है, इन्हीं में से एक है, गांधी जी की फॉलोअर है मीराबेन, देखो मीराबेन कितनी अच्छी सही बात उन्होंने बोली है, साइंस मशीनरी मे गेट ह्यूज रिटर्न, साइंस एंड मशीनरी दोनों चीजों से हम बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, आपको वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, साइंस भी और मशीनरी भी, मशीनरी साइंस का एक पार्ट है ना, टेक्नोलॉजी साइंस का एक पार्ट है, तो रिटर्न फॉर टाइम, मगर एक टाइम लिमिट के लिए, एक वो जो सोर्स है वो बैटरी कभी ना कभी तो खत्म होती है, जो साइंस की बैटरी है, साइंस की बैटरी, आप किसी मशीन की बैटरी मान लीजिए, आप घड़ी की बैटरी मान लीजिए, वो बैटरी कभी ना कभी तो जिंदगी में खत्म होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी, नेचर में सन है, सनलाइट अता उम्र आप देखोगे, एयर है हमेशा देखोगे, है ना, रेन है हमेशा देखोगे, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है, ये कभी खत्म नहीं होगा सोर्स, तो वैसे ही आपको साइंस और मशीनरी है वो एक सोर्स आपका बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मगर एक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिटर्न दे रहा है, अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन, एक दिन ना एक दिन वो खत्म होना ही है, हमेशा के लिए नहीं है वो, एक ना एक दिन वो डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस, हमें कैसे भी नेचर का बैलेंस के बारे में ज्यादा इनका स्टडी से यहां पे एम्फेसाइज करना है, कि ध्यान दिलाना, लोगों का ध्यान नहीं दिलाना, गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना कि हमें नेचर बैलेंस का तो ध्यान रखना ही चाहिए था, एंड डेवलप आवर लाइव्स विद हर लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट करें, ऐसा होना चाहिए था, भाई आप डेवलपमेंट करो मगर किस चीज को देखते हुए, आप नेचर को देखते हुए, नेचर को देखते हुए उसका प्रोटेक्शन करते हुए, उससे हेल्प लेते हुए और उसकी हेल्प करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, इफ वी आर टू सर्वाइव ए फिजिकल मॉरल डिसेंट स्पीसीज, अगर हमें जिंदा रहना है, कैसे जिंदा रहना है, फिजिकली और मॉरली फिट रहना है, तो हमें कैसे ना कैसे इन्वायरमेंट की तो हेल्प करनी ही पड़ेगी और इन्वायरमेंट से ही हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसे मत भूलिए, देखिए ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रही है, गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट है, आप चीजों को खराब मत करो, खराब देखो नॉन वायलेंस पे है उनका, तो चीजों को खराब मत करो, आप खराब कर रहे हो तो उनका ध्यान ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन से कहां जाएगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, एजुकेशन और नेचर, इन सब चीजों पे वो फोकस करेंगे, ये गलत नहीं था कहीं भी, प्लानिंग कमीशन का सेकंड प्लान ये बिल्कुल गलत नहीं था, मगर कुछ लोग कुछ बातें थी जिसको और ये भी इंपॉर्टेंस इन चीजों पर भी देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इतना ये कॉन्सेप्ट है, इसी में आगे मैं देखिए और स्टार्ट कर देती हूँ एक और टॉपिक।